शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन जारी किए जाने से शहर के विकास के काम काफी हद तक बंद पड़े हैं। इसी क्रम में नागपुर के बड़ा ताजबाग में लगभग परिसर का काम हो चुका है, बाकी कामों को बहुत जल्द पूरा होना है, ऐसी जानकारी ताजबाग के अमान इन्होंने दी है। ताजबाग परिसर के विकास के लिए राज्य सरकार काफी अच्छी मदद करने की बात भी उन्होंने कही है। यूँ तो नागपुर शहर की पहचान कई बातों से की जाती है। नागपुर नगरी को बाबा ताज की नगरी भी कहते हैं। दक्षिण नागपुर अंतर्गत आने वाले बड़े ताजबाग परिसर का विकास काम अच्छे से शुरू हुआ था, लेकिन लॉकडाउन लगने से सभी विकास काम बंद हुए। अब तक 80% काम हुआ है। शासन इस काम के लिए मदद भी कर रहा है। ताजबाग परिसर के विकास कामों के लिए राज्य सरकार द्वारा 132 करोड़ रुपए दिए गए थे। एनआईटी के माध्यम से पिछले 2013 से काम शुरू है, लेकिन ताजबाग का विकास काम लॉकडाउन लगने से और मजदूर नहीं आने से बंद था, लेकिन जैसे जैसे मजदूर आएंगे वैसे वैसे 2-3 माह में काम पूरा हो सकता है। दोस्तों, आज हम ताजबाग परिसर में हैं और हमारे साथ ताजबाग ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर अमान खान साहब हैं और यहाँ के सज्जादा, दोनों सज्जादा हमारे साथ हैं। एक ताजी जरबीर साहब हैं और दूसरे ताजी तालिब साहब हैं। दोस्तों, आज हम ताजबाग के ताल्लुक से कुछ बातें अमान साहब से जानना चाहेंगे और यहाँ के जो सज्जादा हैं उनसे भी पूछेंगे। तो आइए हम अमान साहब से पूछते हैं कि यहाँ क्या काम चलता रहा, लॉकडाउन में काम चल रहा था और आगे क्या होने वाला है, ये इसकी हमें जानकारी अमान साहब देंगे। देखिए, मैं बीसीएन इनके माध्यम से आज ताजबाग परिसर में जो विकास हो रहा है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें पिछले 2013 में 132 करोड़ रुपये दिया था, उसके माध्यम उससे वो विकास हो रहा है हमारा। हमारी नोडल एजेंसी एनआईटी है, एनआईटी के माध्यम से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट, हमारे जो प्रशासक है जीएम कुबड़े साहब, हम उनके मार्गदर्शन में आज 4 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और तकरीबन हमारा जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो लगभग 80% कम्प्लीट होते हुए आ रहा है और आगे भी शासन हमको मदद कर रहा है। शासन की तरफ से हमें और भी मदद मिलने के चांसेस है और कुछ जो हमारे बचे हुए काम है ताजाबाद के डेवलपमेंट के, उसके भी लिए हम लोग ने शासन को लेटर लिखा है और शासन ने हमें बोला है कि जो जो यहाँ बचे हुए काम है ताजाबाद शरीफ के, बाबा जान की दरगाह का हो, आजू बाजू का जो परिसर का हो, रास्ते का हो, ये सब हम करने के लिए तैयार है, ऐसी हमारे शासन ने हमें आश्वासन दिया है। अमान साहब, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि क्या किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन अभी आपको मिला है कि आने वाले समय में कब शुरू हो सकता है ज़ायरीन के लिए ताजबाग का दरबार? जी नहीं, ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है और अब सभी तरफ जो है पूरे महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल बंद है, वो हिसाब से हम जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो आदेश दिया है हम उसका पालन करते हुए चल रहे हैं। हम बराबर नियमों के हिसाब से चलते हैं और हमारा काम नियमों के हिसाब से चल रहा है। अब हम सज्जादा ताजी सैयद जरबीर साहब से बात करेंगे। हमें बताइए साहब के यहाँ पर इस वक्त जो कोरोना का गवर्नमेंट ने काफ़ी बंद कर रखा था और अभी भी इस वक्त परिसर बंद है, तो आप लोगों ने यहाँ कैसे इंतज़ाम रखे थे और लोगों से कैसी आपने अपील की थी और यहाँ दरबार में इस वक्त कैसा दरबार शरीफ का जो भी इंतज़ाम होते हैं उसमें क्या चल रहा था? गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस के मुताबिक जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का कहा गया था उसके मुताबिक ही यहाँ पर 5 खादिमों को अंदर एंट्री दी जाती है कि वो दरबार शरीफ की खिदमत को अंजाम दे और मास्क लगा कर रहे, हैंड वॉश करते रहे, इसी के तहत यहाँ पर सिलसिला चलते रहा कोरोना के ताल्लुक से। अभी जो बकरीद हुई तो यहाँ ताजाबाग परिसर में काफ़ी मुस्लिम परिवार और काफ़ी लोग यहाँ पर, काफ़ी एक बड़ी तादाद में एक दो जो यहाँ पर एरिया है वहाँ पर हैं, तो आप लोगों ने कुछ अपने तरफ से उनको कुछ बताया कि भाई कैसे करें नमाज के बारे में, या कुछ आपने अपने तरफ से कुछ बताया आपने? हाँ, मैंने अपने तरफ से अपील की थी कि आप लोग अपने ही घरों पर बकरीद की नमाज़ अदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखे, भीड़ ना लगाए, मास्क पहने रहे, इस चीज़ की हमने अपील की थी लोगों से। हम ताजी
तालिब साहब से हम बात करना चाहेंगे। हमें बताइए कि और कुछ जानकारी दीजिए कि जो ये कोरोना काल का जो वक्त चल रहा था, बहुत ही गरीब और मजलूम लोग भी हैं इस एरिया में, तो आप लोगों ने या ट्रस्ट के तरफ से या यहाँ पे किस तरीके से लोगों की मदद की और आप लोगों ने ये समय को कैसे निकाला, कुछ बताएं इसके बारे में हमें। हमारे ताजाबाद ट्रस्ट की जानिब से 12 या 13 लाख रुपए का अनाज दिया गया है पूरे गरीबों को। हमारे ताजाबाद शरीफ जितने भी है लोग, जितने गरीब लोग हैं, उनको हर घर में जाके अनाज उनका पहुँचाया गया। और हमारी लोगों से भी ये अपील है कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, ताजा दरबार शरीफ में आने की जहमत ना करें। अभी लोग अपने अपने घरों से ही दुआ फातिहा जो भी है आप अपने घरों से ही करें। मैं अमान साहब से एक प्रश्न और लेना चाहूँगा कि जो काम अभी दरबार शरीफ में पेंडिंग है और बाकी है, तो ये कब तक उम्मीद है ये काम पूरा होगा? देखो, ये काम तो हमारा मार्च में कम्प्लीट होने के चांसेस थे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद में काम की जो गति थी वो मज़दूर नहीं रहने के कारण कमज़ोर हुई, ढीली हुई। अभी मज़दूर जैसे जैसे वापस आ रहे हैं वैसे वैसे हमारे काम में स्पीड बढ़ रही है और काम हमारा आगे 2-3 महीने और 2-3-4 महीने में कंप्लीट होने के चांसेस है। दोस्तों, ये हम NBCN न्यूज़ से, मैं नफीस खान यहाँ के कुछ ताजबाग के ख़ास मेहमानों के साथ आपको रिपोर्टिंग करते हुए, कैमरामैन सुभाष के साथ।